मेरा सदीक, माई फ्रेंड को अरबी भाषा में बोलेंगे आना सदीक, ठीक है, आना सदीक। नेक्स्ट लेंगे, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है, इसको अरबी भाषा में बोलेंगे हुआ आना सदीक। क्या बोलेंगे? हुआ आना सदीक, ही इज माई फ्रेंड को अरबी भाषा में हुआ आना सदीक, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लेंगे, मेरा दोस्त नहीं है, नॉट माई फ्रेंड को अरबी भाषा में कई तरीके से बोल सकते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं मुँह आना सदीक, मुँह आना सदीक, मुँह का मतलब नहीं, आना सदीक, जैसे कि मैंने पहले सेंटेंस से बताया, मेरा दोस्त नहीं है। इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं अनामा फी सदीक, तीसरे तरीके से बोल सकते हैं अनम्मा को सदीक, ठीक है। तो मुँह आना सदीक, मेरा दोस्त नहीं है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट लेंगे, तुम मजाक कर रहे हो, आर यू किडिंग या आर यू जोकिंग, इसको अरबिक लैंग्वेज में, अरबिक भाषा में सिंपल वे में आप बोल सकते हैं इंते सवी मस्खरा। क्या बोलेंगे? इंते सवी मस्खरा, इंते का मतलब यू, सवी का मीन्स डू, और मस्खरा मीन्स यानी कि जोकिंग, किडिंग, इंते सवी मस्खरा। नेक्स्ट लेंगे, नहीं, इसको अरबी भाषा में ला बोलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ला के अलावा भी बहुत जगह पे नहीं को अलग अलग तरीके से बोला जाता है, लेकिन वो सिचुएशंस के बेस पे वो मामला रहता है। यहाँ पर बात हो रही है कि तुम मजाक कर रहे हो, वो मेरा दोस्त नहीं ना, वो मेरा दोस्त है, इस तरीके की टॉकिंग में हम सिर्फ यही बोलेंगे ला, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे बोलेंगे आप मजाक कर रहे हो, तुम मजाक कर रहे हो, तो हम बोलेंगे ला, नहीं, ठीक है। अगर हमें इसी सेंटेंस को दूसरी तरीके से बोलना हो, चलिए इसको समझते हैं, जैसे कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तो हम कैसे अरबी बोलेंगे? इसको बोलेंगे नहीं को पहले ला लाएंगे, ला आना माई सवी मस्खरा, ठीक है। तो नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हिंदी से अरबी बोलना सीख रहे हैं, तो नहीं नहीं दो जगह आया, तो ला को हम पहले लेंगे, नहीं है, और जो बीच में ना है यानी कि नहीं आ रहा, उसको माई से रिलेटेड हम रखेंगे, ला आना माई सवी मस्खरा, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से अरबिक भाषा में आप सिंपल वे में बोल सकते हैं। अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लो, किसी और प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो फॉलो कर लो, मोर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेंगे, मैं सच बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग द ट्रूथ, यानी कि मैं सच बोल रहा हूँ, इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं अनागुल सच। क्या बोलेंगे? अनागुल सच, मैं सच बोल रहा हूँ, सच को अरबी भाषा में सच बोलते हैं। करीबन 250-300 ऐसे हिंदी के वर्ड्स हैं जो हम ऑलरेडी हिंदी में तो बोलते हैं अपने देश में, लेकिन अरबिक लैंग्वेज में वो धड़ाधड़ चलते हैं भाई, सेम टू सेम कैटेगरी में। मैंने फिलहाल, आप अगर यूट्यूब पर सर्च करते हैं अमाफा हर्बल, तो वहाँ पर आपको 30 दिनों में अरबी बोलना सीखे वाली प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर ये वीडियो मैंने डेडिकेटेड बनाई है, आप देख सकते हो। सिंपल वे में 250-250 वर्ड्स आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, और कैसे कब कहाँ इस्तेमाल करना है वो सब आगे चल करके आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पे, क्या करे, वाट टू डू, इसको अरबी भाषा में बोलेंगे शुनु सवी। क्या बोलेंगे? शुनु सवी, क्या करें। नेक्स्ट हम लेंगे, तुम्हारे बाबा कहाँ है, वेयर इज योर बाबा, ठीक है, तुम्हारे बाबा कहाँ है, वेयर इज योर बाबा, को अरबी भाषा में आप बोलेंगे वैन बाबा इनते, वैन मीन्स कहाँ, वेयर बाबा यानी कि आप सब समझ रहे हो, बाबा कहाँ है, ठीक है, ये हो गया सेंटेंस। अब हम पूछ रहे हैं तुमसे, तो यहाँ पर हम तुम लगाएं या ना लगाएं, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं वैन बाबा, बाबा कहाँ है, ठीक है, ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तुम्हारे बाबा कहाँ है, वैन बाबा इनते, वो ये इसको हम शुरू में भी ला सकते हैं, और अगर यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए वैन के आगे यू का सिस्टम नहीं होगा, ये अरबिक ग्रामरली सिस्टम है, शायद आप इस चीज़ को नहीं समझ पाए, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करके रखो, मोर इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर से रिलेटेड दूंगा, उसमें वो चीज़ मैं डेडिकेटेड रूप में एक तरीके से पूरा कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। शायद घर में हैं, मे बी इन द हाउस, ठीक है,
कौन है ये तो आप समझ रहे हो क्योंकि टॉकिंग हो रही है ना, शायद घर में है। और शायद के लिए अरबिक भाषा में दो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है आपकी कंट्री में कौन सा चलता है। एक ये है कि मुमकिन और एक ये है यमकिन। ठीक है, लोग मुमकिन करके भी लोगों से बात करते हैं और यमकिन बोल करके भी बात करते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ आप समझ लीजिए, अपने हिसाब से यूज़ कर लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं शायद घर में हैं, इसको अरबिक भाषा में आप बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? यमकिन फी बेत, यमकिन फी बेत, मुमकिन फी बेत। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया यमकिन मुमकिन दो भी यूज कर सकते हैं आपकी मर्जी। यमकिन फी बेत बोल सकते हैं या मुमकिन फी बेत अरबी भाषा में आप बोल सकते हैं शायद घर में है। ठीक है, यहाँ पर बिल बेद भी लगा सकते हैं, बिल का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन बिल से रिलेटेड मैं सेंटेंस दे चुका हूँ इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लेंगे। एक लोग ने कमेंट किया था क्या हुआ को अरबिक भाषा में हम कैसे बोलेंगे, तो जैसे क्या हुआ व्हाट हैपेंड, तो इसको अरबिक भाषा में हम बोल सकते हैं शुनु सार। ठीक है, शुनु सार यानी कि शुनु मीन्स क्या, सार मीन्स हैपेंड मतलब क्या हुआ। ठीक है, इसको अरबिक में इस तरीके से आप बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं, जैसे नौकरानी को बुलाओ या नौकरानी को बुला देना, आप जा रहे हो अंदर, हमने कहा नौकरानी को बुला देना। ठीक है, तो इसको अरबिक भाषा में आप कैसे बोलेंगे, नादी खद्दामा, नादी खद्दामा यानी कि खद्दामा को बुलाओ, खद्दामा को बुला देना या बोल देना कि फलाने बुला रहे हैं। तो ये सब सिचुएशंस जो होती है, जैसे मैंने आपसे कहा कि नादी खद्दामा, तो यानी कि आपका फ़र्ज बनता है कि आप जाकर के आप बोलो कि अगला इंसान आपको बुला रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये यूज़ हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि आप अंदर हो और आपके साथ यानी कि रूम पार्टनर में, यानी कि किसी किसी घर में होता है ना कि दो दो ड्राइवर्स होते हैं, दो दो हारिस होते हैं। काम खत्म हो गया, अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी काम थोड़ा बाकी है, अभी काम नहीं करेंगे, मेरा काम नहीं है, मैं इस काम को कल करूंगा, मैं बहुत परेशान हो गया हूं, मैं बहुत थक गया हूं, इस काम को कल करूंगा, मैं ये काम कर नहीं सकता, काम खत्म। इसको अरबिक भाषा में आप बोलेंगे सुगुल खलास, क्या बोलेंगे, सुगुल खलास, वही बॉम्बे वाला खलास। ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे, नहीं अभी कर रहा हूं। ठीक है, नो आई एम डूइंग इट नाउ। ठीक है, यहां पर नाउ आ रहा है और यहां पर निगेटिव में नो भी आ रहा है, तो अरबिक भाषा में कैसे बोलेंगे, यहां पर ला हम लगाएंगे निगेटिव की जगह पे, यानी कि ला यानी कि नो के जगह पे हमने ला लगाया, ला अलहिन सभी। ठीक है, तो नहीं अलहिन मीन्स अभी और सभी मीन्स डूइंग। ठीक है, तो ला अलहिन सभी अरबी भाषा में इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, यानी कि मैं अभी कर रहा हूं, लेकिन यहां पर आना और आई का यूज आप अरबिक में लैंग्वेज में करिए ना करिए, डायरेक्ट बोल सकते ला आना अलहिन सभी, ऐसे बोल सकते ला अलहिन सभी अभी कर रहा हूं। ठीक है, नहीं अभी नहीं खत्म हुआ, अगर आपको इस सेंटेंस को बोलना पड़े तो चलिए समझते हैं इंग्लिश में, नो इट्स नॉट ओवर एट को अरबी भाषा में आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे ला अलहिन माई खल्लस। ठीक है, ला अलहिन माई खल्लस, आपको मैंने जैसे पहले सेंटेंस बताया कि नो जहां पर यूज करेंगे वहां पर ला यूज करेंगे, ला अलहिन माई खल्लस, माई खलास भी बोल सकते हैं, खलसी बोल सकते हैं, क्योंकि ये कहने का मतलब मेरा ये है कि पास्ट और के हिसाब से ये खलस और खलास का सिचुएशंस होती है। ये अरबिक ग्रामरली सिस्टम, अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे कमेंट करोगे तो मैं और डीप में जाकर के आपको दूंगा, क्योंकि बहुत से लोग हमें जाने नहीं देते हैं, क्योंकि डीप में जाने में समझाने में थोड़ा वक्त लगता है और लोगों को सिर्फ सेंटेंस चाहिए क्योंकि उनको रट करके बोलना होता है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, फिलहाल जैसा आप हमारा सपोर्ट करोगे उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम सेंटेंस यहां पे लेंगे, ओके जल्दी। ठीक है, तो इसको ओके जल्दी यानी कि ओके या लसुरा। अब ओके को मैंने ओके क्यों रखा, आप चाहो तो बोलो चाहो ना बोलो, ओके को इंग्लिश वर्ड्स है तो आप अरबिक में अप्लाई कर सकते हैं, इससे हिंदी में अप्लाई करते हैं। तो यहां पर हिंदी टू अरबिक लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हैं तो यहां पर यही चीज बोले ओके या लसुरा। ठीक है, ओके क्विकली, ठीक है यानी कोई चीज जल्दी, अरबी भाषा में इस तरीके से आप बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लेंगे यहां पे, सब्र करो, हैव पेशेंस, इसको अरबी भाषा में बोलेंगे सभी सब्र,
ठीक है, सभी सब्र। वैसे मैं ये सेंटेंस को एक दो वीडियो में दे चुका हूं, यहां पर रिपीट हो रहा है, लेकिन कन्वर्सेशन के हिसाब से इसलिए मैंने इंक्लूड किया। ठीक है, सभी सब्र यानी कि सब्र रखो, है पेशेंस, अरबी भाषा में इस तरीके से आप बोल सकते हैं। हिंदी टू अरबी सीखने के लिए नेक्स्ट हम सेंटेंस लेंगे, मैं नहीं करूंगा, आई विल नॉट डू। अरबी भाषा में इसको बोलेंगे आना माई सवी, आना मीन्स मैं, माई मीन्स निगेटिव वर्ड्स हो गया और सवी मीन्स डूइंग हो गया। ठीक है, मैं नहीं करूंगा, लेकिन यहां पर आई विल डू यानी कि विल लग रहा है, यानी कि फ्यूचर टेंस से रिलेटेड सेंटेंस बन रहा है, लेकिन यहां पर सिंपल वे में आप बोल सकेंगे यानी कि आना माई सवी, मैं नहीं करूंगा। यहां पर एक सिचुएशन और जोड़ सकते हैं, निगेटिव वर्ड्स आप पहले ला सकते हैं, जैसे कि यानी कि ला आना माई सवी, नहीं मैं नहीं करूंगा, डबल डबल नहीं आ जाएगा, तो वहां पर ये बोल सकता है ला आना माई सवी। और सिर्फ अगर ये बोलना हो आना माई सवी यानी कि मैं नहीं करूंगा, तो आना माई सवी आप बोल सकते हैं। तो अरबी भाषा में चलिए फिर से बोलते हैं आना माई सवी। नेक्स्ट लेंगे क्यों, वाई। अब ये सेंटेंस मैंने बहुत पहले ही बता दिया था, ठीक है, तो इसको अरबी भाषा में बोलते लैश लैश। लैश एक बहुत ही पावरफुल वर्ड्स है, जहां पर अच्छे अच्छे लोगों की बोलती बंद हो जाती है। जब आपका कफिर लैश बोलेगा तो आपके पास वर्ड्स नहीं रहेंगे क्या हम आगे बोले। ठीक है, तो वो सब मैं सिखलाऊंगा अगर आप सब्सक्राइब करके रखे रहोगे तो। ठीक है, तो लैश यानी कि वाई क्यों को अरबी भाषा में बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे तुम क्यों नहीं करोगे, लैश इंते माई सवी। अरबी भाषा में क्या बोलेंगे, लैश इंते माई सवी। ठीक है, तुम क्यों नहीं करोगे, तो क्यों उठेगा आगे, लैश इंते माई सवी, लैश इंते माई सवी, तुम क्यों नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट हम सेंटेंस लेंगे यहां पे। अब यहां पर सिचुएशंस होती है, मैं थक गया हूं, मैं बीमार हूं, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, या मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, या मैं बहुत भूखा हूं, बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती है, क्योंकि ये एक कैटेगरी चल रही है, टॉपिक से रिलेटेड आपकी बात हो रही है कफील से। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं आपको बतला रहा हूं। तो यहां पर सिचुएशन हो सकती बहुत सारी कि मैं थक गया हूं, बीमार हूं, एक्स वाई जेड जो भी आपको मैंने बताया, या कोई भी और आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, फिलहाल मैंने यहां पर जैसे कि आपको बताने के लिए मैं यानी कि बहुत थक गया हूं, ठीक है, अना वाई ताबान, ठीक है, अरबी भाषा में बोल सकते हैं, आई एम सो टायर्ड वगैरह बोल सकते हैं, तो वो तो इंग्लिश में हो गया। तो आना यानी कि मैं बहुत थक गया हूं, आना वाई ताबान, मैं बहुत थक गया हूं, या बोल सकते हैं कि मैं नहीं कर सकता, जैसे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, अभी मैंने सेंटेंस में आपको सिखाया, और आगे ये बोलना पड़े मैं शुगर का मरीज हूं, तो आप कैसे बोलेंगे आना मरीज शुक्कर। इसके अलावा बहुत, अब देखो भाई बहुत सारी चीज़ें मैं लिखूंगा नहीं, इसलिए क्योंकि वो चीज़ें सिचुएशंस के बेस में आपको समझाना है ऐसे जर्नली। ठीक है, तो मैं शुगर का मरीज हूं, या मुझे हरारा है, अनाफी हरारा यानी कि थोड़ा से, हरारा मीन्स होता है बुखार, मुझे बुखार है, थोड़ा बुखार है, फिर शोए हरारा। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस आप दे सकते हैं कि मैं काम नहीं करूंगा भाई। ठीक है, यहाँ पर देखो भाई होता ना कि सेंटेंस अगर सिर्फ आपको दे रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझाना हो, क्योंकि समझे तो बहुत बढ़िया मजा आएगा अरबी बोलने में और जल्दी बोलोगे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशंस के हिसाब से आप अपनी प्रॉब्लम बता करके इनकार कर सकते हो किसी ना किसी चीज़ का, जो भी चीज़ें आपकी सिचुएशन के हिसाब से काम में ली जा रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इनकार करोगे, और यहाँ पर आना वाई ताबान यानी कि मैं बहुत थक गया हूँ, यानी कि मैं बहुत सुस्त हूँ, और अगर सुस्त हैं, लेजी हैं, उसका अलग सिस्टम बनता है, अगर आप बीमार हो गए तो उसका अलग सिस्टम, पैर में दर्द है, अब भाई पैर में दर्द है, सर में दर्द है, रीजन हो सकते हैं ना बहुत सारे काम ना करने के ना। शीशा बंद करो, क्लोज द मिरर, इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे आप सिक्की जामा, सिक्की जामा। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बता दिया था, सिक्की और सिक्कैद के बारे में बतलाऊंगा मैं, लेकिन लोगों का कंफ्यूजन यहां पे क्रिएट हो गया होगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने और सारे चैनलों की वीडियोस से यही सीखा होगा कि क्लोज द डोर यानी कि दरवाज़ा बंद करने को, यानी कि बंद करने को स्पेशली शक्कर बोलते हैं। ठीक है, तो शक्कर बाप मैंने भी वीडियो में सिखलाया है, बहुत सारी जगह पे आप सीखे भी होंगे, लेकिन यहां पर बात हो रही है सिक्की जामा, क्लोज द मिरर, शीशा बंद करो, सिक्की जामा। अब ये शक्कर से कब सिक्की बन गया, वीडियो के साथ बने रहो, मैं इसके बारे में पूरा आखिरी पार्ट में यानी कि सॉरी आखिरी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि सिक्की
शक्कर कैसे बन गया और शक्कर सिक्की कैसे बन गया और कब बनाना है और कब बोलना है। तो क्लोज यहाँ पर क्लोज हो रहा है शीशा, तो शीशे को यानी कि जाम बोलते हैं, तो सिक्की जामा, सिक्की जामा। चलो अब इसी से हम शिकायत ले लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम सेंटेंस लेंगे, बंद कर दिया, हैज बीन क्लोज्ड, बंद कर दिया, ठीक है। इसको अरबिक भाषा में अगर आपको बोलना पड़े तो इतने लंबे हैज बीन क्लोज्ड वाले सेंटेंस को आप सिंपल वे में एक वर्ड्स में बोल सकते हैं, शिकायत, शिकायत। अब आपकी कहानी शुरू होगी सिक्की और शिकायत को लेकर के, लास्ट तक बने रहिए, समझ जाएंगे और आज के बाद बोलना भी शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप बोलेंगे शिकायत यानी कि हैज बीन क्लोज्ड, बंद कर दिया, शिकायत, बड़ा शा नहीं रहेगा, मेरे मुंह से निकल गया, शिकायत छोटा शा रहेगा यानी कि सीन रहेगी, शिकायत मींस बंद कर दिया, ठीक है, हैज बीन क्लोज्ड। नेक्स्ट हम लेंगे, मैंने बंद कर दिया, आई टर्न इट ऑफ, मैंने बंद कर दिया, ठीक है। तो अरबिक भाषा में आप बोलेंगे अना शिकायत, क्या बोलेंगे अना शिकायत, यानी कि अभी शिकायत मैंने सिखलाया, यहां पर मैंने बंद कर दिया, यहां पर आई यूज कर रहे हैं, तो आई की जगह पे मैंने की जगह पे आना शिकायत, ठीक है, आना शिकायत, ओके। नेक्स्ट हम लेंगे अब क्लोज, क्लोज बंद को अरबी भाषा में भैया शक्कर बोलते हैं, ठीक है, वाली शक्कर जो चाय में घोल करके हम लोग पीते हैं मिठास के लिए, ठीक है। तो शक्कर का मतलब होता है यानी बंद, क्लोज, लेकिन मैं तो आपको शिकायत और सिक्की सिखला रहा हूं, तो लास्ट तक बने रहो भाई, शक्कर को यानी कि बंद को, क्लोज को शक्कर बोलते हैं, और कहां इसको इस्तेमाल करना वो भी मैं बतला दूंगा अगर आप सब्सक्राइब करके रखे रहोगे तो। नेक्स्ट हम सेंटेंस लेंगे यहां पे, दरवाजा बंद करो, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो। अरबिक भाषा में अगर आपको ये प्रेजेंट टेंस के हिसाब से अगर बात हो रही, दरवाजा बंद करो, तो अरबिक भाषा में आप बोलेंगे शक्कर बाब, क्या बोलेंगे शक्कर बाब। अब देखो भाई यहां पर इंता अंती के हिसाब से अपने हिसाब सेट कर लेना, कभी कभी होता है ना कि सामने वाले आदमी को ऑर्डर देते हैं लेकिन हम यू नहीं कहते, तुम नहीं कहते, आप नहीं कहते, उसी तरीके से आप इंता अंती, इंती अंता का यूज नहीं करते, डायरेक्टली बोल देते हैं शक्कर बाब। अगला इंसान तो समझेगा ना कि मुझसे कह रहे हैं शक्कर बाब, यानी कि क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो। प्रेजेंट में हो तो शक्कर का यूज करेंगे, लोकल में हो और पास्ट में चले गए हो तो वहां पे क्या यूज करेंगे, बने रहो वीडियो के साथ। नेक्स्ट हम सेंटेंस यहां पे लेते हैं, बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया, क्लोज द डोर हो गया, ठीक है। अब पास्ट के हिसाब से हम बताएंगे शिकायत बोलते हैं, यानी कि अभी मैं आपको बतलाऊंगा, बाप शिकायत यानी दरवाजा बंद कर दिया, शिकायत ही बोल सकते हैं आप, बाप शिकायत, आना बाप शिकायत, यानी कि आना बाप शिकायत, ओनली वन बाप शिकायत, सिर्फ शिकायत, तीन तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम सेंटेंस लेंगे यहां पे, नहीं अभी नहीं बंद हुआ, नो इट इज नॉट क्लोज्ड एट, ठीक है, अभी नहीं बंद हुआ, नहीं अभी नहीं बंद हुआ। अगर इतने लंबे सेंटेंस को फिलहाल अगर आपके साथ सिचुएशंस होती है तो बोलना पड़ेगा, याद कर लो, समझ लो, समझ के बोले तो बहुत जल्दी बोलोगे। तो चलो अरबी भाषा में इसको कैसे बोलेंगे, अब यहां पर नहीं अभी नहीं बंद हुआ, ठीक है, यहां पे नहीं दो आ रहा है तो यानी कि सबसे पहले नहीं को हम ला से रिलेटेड रखेंगे, तो ला, ला अलहिन मूसिक्की, ला अलहिन मूसिक्की, ठीक है, ला यानी कि नहीं, अलहिन यानी कि अभी, नहीं मुंह यानी कि अगर आप समझ रहे होंगे, देखो भाई पुराने व्यूवर्स हो तो समझ रहे हो, ला अलहिन मुंह सिक्की, तो न्यू व्यूवर्स हो तो कंफ्यूजन मैं दूर कर दूं, कमेंट करने की जरूरत ना पड़े आपको, ला पहले आएगा तो नो की जगह पे ला यूज करेंगे अरबी भाषा में, और अगर बीच में आएगा तो बहुत तरह के निगेटिव वर्ड्स हैं, सिचुएशन ट्रांसलेशन के बेस पे उसको वो करते हैं, तो यहां पर मुंह यूज करेंगे, ठीक है। तो आपका पूरा सेंटेंस हो जाएगा ला अलहिन मुसिक्की, नहीं अभी नहीं बंद हुआ, ठीक है। तो अरबी भाषा में इस तरीके से आप बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं, नहीं मैंने बंद कर दिया, नो आई टर्न इट ऑफ, नहीं मैंने बंद कर दिया। अब इसको अरबी भाषा में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे आप, ला अना शिकायत, ला नहीं मैंने बंद कर दिया, ला अना शिकायत, ठीक है, ला अना शिकायत, मैंने बंद कर दिया, नहीं भी यूज कर रहे हैं,
ठीक है, नहीं मैंने बंद कर दिया, ला अना सिकायत। नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे हम यहां पे, खिड़की बंद करो, शट द विंडो। खिड़की बंद करो को अरबी भाषा में आप बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, खिड़की बंद करो, यानी कि सिक्की दरीशा। क्या बोलेंगे, सिक्की दरीशा, शक्कर दरीशा भी बोल सकते हैं आप, लेकिन सिक्की दरीशा, खिड़की बंद करो, सिक्की दरीशा, ऑर्डर दे रहे हो यहां पे, सिक्की दरीशा, ठीक है, खिड़की बंद करो, अरबी भाषा में इस तरीके से बोल सकते हैं। अब चलिए समझ लेते हैं सिक्की और सिक्कैत कहां पर और कैसे और कब यूज होते हैं। तो सबसे पहले सिक्की, सिक्की का मतलब होता है क्लोज करना, ठीक है। यहां पर जब हम बात कर रहे होते हैं प्रेजेंट टेंस में, यानी कि अभी के लिए, जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि दरवाजा बंद कर दो यार, तो शक्कर बाब, या आप दरवाजे पे आ रहे हो और दरवाजा ओपन है तो शक्कर बाब, ठीक है। लेकिन ये तो प्रेजेंट के सबसे एकदम ठीक करेक्टली मिल जाता है। लेकिन अब सिक्की की बात आती है, तो सिक्की का सिस्टम ये है कि जैसे कि एक लोकल और एक गांव की, एक यानी कि एक जमीनी लैंग्वेज जो है, जो कि गूगल वगैरह पे आपको नहीं मिलती है, तो सिक्की चामा, सिक्की बा, सिक्की यानी कि बंद करने से रिलेटेड लोग सिक्की कर देते हैं। अब यहां पर अगर उसी की लैंग्वेज में, यानी कि देहाती लैंग्वेज में, अगर हमें जवाब भी देना पड़े तो हम शक्कर से नहीं लेंगे, वहां पे सिक्कैत यूज करेंगे। नहीं अभी नहीं आऊंगा, ये सेंटेंस कोई बोलता नहीं है, लेकिन सिचुएशंस हो सकती है तो सीखना जरूरी है। नो आई विल नॉट कम एट, ठीक है, इसको अरबिक भाषा में अगर आपको बोलना पड़े तो कैसे बोलेंगे। ला अलहिन माई जी, ला यानी कि नहीं, ला अलहिन माई जी यानी कि मैं अभी नहीं आऊंगा। नेक्स्ट सेंटेंस समझेंगे यहां पे, अब अगला इंसान पूछेगा ना आपसे क्यों नहीं आओगे, तो मैंने तो कई वीडियो में बता दिया है इस चीज को, क्यों को लैश अरबी बोलते हैं, वाई को, यानी कि लैश क्यों नहीं आओगे, भाई जवाब दो, रीजन होगा ना कोई, अब आपकी कहानी शुरू होती है यहां से, क्योंकि यहां पर रीजन के हिसाब से आपको बोलना पड़ेगा, विदाउट रीजन आपको यानी कि बोल ही नहीं पाओगे तो क्या बोलना पड़ेगा, और फिर वो फिर माहौल खराब हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते आपका माहौल खराब हो, हम चाहते हैं माहौल आपका अच्छा हो, इसलिए जल्दी अरबी बोलना आप सीखिए। चलिए रीजन के हवाले से नेक्स्ट हम लेंगे, काम खत्म करके आऊंगा, ठीक है। अब अगले इंसान को अगर जल्दी है काम, भाई अगले इंसान को जल्दी है, हमें यह है काम खत्म करके आऊंगा, तो वो तो भाई देखेगा, सोचेगा हाँ यार बंदा अच्छा है, ठीक है। और अगर उसको जल्दी हुई तो होगी वो बोलेगा छोड़ो आ जाओ, ठीक है, वो सिचुएशन अलग है, उसका संडेस में सीख लाऊंगा आपको, ठीक है, डोंट वरी, सब्सक्राइब नाउ। आई विल कम आफ्टर फिनिश वर्क, ठीक है, आई विल कम आफ्टर फिनिश वर्क को अरबी भाषा में आप कैसे बोलेंगे। सुगुल खलास बादिन इजी, सुगुल काम, खलास ओवर यानी कि एंड, बादिन इजी यानी कि आफ्टर बाद में आऊंगा, ठीक है, सुगुल खलास बादिन इजी, ठीक है, सुगुल खलास यानी कि यहां पर आप खल्लस भी बोल सकते हैं, सुगुल खल्लस बादिन इजी। अब यहां पर आप बाबा भी यूज कर सकते हैं, सुगुल खलास बादनी जी बाबा, या बोल सकते बाबा सुगुल खलास बादनी जी, ये रिस्पेक्टफुली रहेगा। तो सुगुल खलास बादनी जी, बाबा सुगुल खलास बादनी जी, या सुगुल खलास बादेन बाबा जी, इस तरीके सिचुएशंस में आप जो है जोड़ जोड़ करके आप बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लेंगे यहां पे, अभी खत्म नहीं हुआ है, लगाइए ना लगाइए, अभी खत्म नहीं हुआ, इसको अगर अरबी भाषा में बोलना पड़े तो कैसे बोलेंगे। इट्स नॉट ओवर एट को अरबी भाषा में आप बोलेंगे अलहिन माइखल्लस, अलहिन माइखल्लस, ठीक है। अब यहां पर भी बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है, अलहिन माइखल्लस, अभी कितना वक्त है, दोपहर शाम हो गई, या अभी छोड़ दो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैं सेंटेंस के शब्द दूंगा अलहिन माइखल्लस, अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है, इस तरीके से अरबी भाषा में आप बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम सेंटेंस लेंगे यहां पर, नहीं थोड़ा है, इट इज ए लिटिल, ठीक है, नहीं थोड़ा है, अब ठीक है ये अरबी भाषा में बोलना पड़े तो कैसे बोलेंगे। नहीं थोड़ा है, सबसे पहले सेंटेंस समझिए, नहीं यानी कि ला, फी शोए, ठीक है, नहीं थोड़ा है, ला फी शोए, अरबी भाषा में कैसे बोलेंगे, चलिए फिर से दोहराते हैं, ला फी शोए, ठीक है। नेक्स्ट हम सेंटेंस लेंगे यहां पर, ओके बाद में कर लेना, ओके बाद में कर लेना, ओके डू इट लेटर को अरबिक भाषा में आप कैसे बोलेंगे, या जो बोल रहा है उसको कैसे समझेंगे। ओके इंते बादेन सभी, ओके इंते बादेन सभी, सऊदी वगैरह से बिलोंग करते, ओके अंता बादेन सभी, लेडीज है तो ओके अंति बादेन सभी, कुवैत वगैरह से बिलोंग करते तो ओके इंते बादेन सभी,
लेडीज है तो ओके इंतिबादिन सभी, ठीक है ओके बाद में कर लेना। ओके को हमेशा हिंदी इंग्लिश और अरबिक में सेम सेम ऐसे लोग बोलते हैं, और जो लोकल में चलता है वही सब जगह दौड़ता है, वही आपको भी दौड़ा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे, आदमी पूछता है ना कि हाउ मच, ये कितने का है, तो हाउ मच की तरफ मत जाइए, आप सिर्फ कितना बोलिए, कितना यानी कम, इसको अरबी भाषा में कम बोलते हैं, ठीक है। अब अगर आप कुवैत वगैरह से बिलोंग करते हैं तो बहुत सारी ऐसी जगह पे चम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं चम, चम यानी कि ऐसा नहीं ना कोई भी चीज़ अलग डिफरेंट, यानी कि इसमें कोई अलग इसका मीनिंग्स निकल रहा हो, तो वहाँ पे चम यूज़ करते हैं। दरअसल कम सही है और चम लोकल अरबी भाषा है, ठीक है। अब इसके अलावा नेक्स्ट हम देते हैं, जैसे कि झूठ, लायर, कोई झूठ बोल रहा है तो हम बोलेंगे कि तुम झूठे हो, तो फिलहाल हम ट्रांसलेट में जाएंगे, आपको अरबी भाषा के वर्ड्स को देंगे, चलिए ठीक है ट्रांसलेट भी ले लीजिए आप। और तो जैसे कि मान लीजिए कि झूठ को अरबी भाषा में बोलते हैं कज़्ज़ाब, ठीक है, लेकिन लोकल अरबी भाषा में आप क्या बोलेंगे, चद्दाब, ठीक है। अब यहाँ पे कज़्ज़ाब और चद्दाब दोनों चीज़ें जो है ना वो चा और का से अलग अलग हो गई, यानी कि दोनों का मतलब अलग होना चाहिए क्योंकि बोली हम अलग रहे हैं चद्दाब, तो ठीक है। यहाँ पर हम अरबी भाषा का संडेस लेते हैं, तुम झूठे हो, लायर के हिसाब से अगर आप बात करोगे तो इंत कज़्ज़ाब ये सही है, इंत चद्दाब ये भी सही है, लोग बोलते हैं, ये है कि लोकल अरबी भाषा है और एक तरीके से देहाती अरबी भाषा है, तो लोकल अरबी भाषा देहाती अरबी भाषा इसी तरीके से आप पहचान करके बोल सकते हैं, तो जो जहाँ बोली जाती है वो बोलिए। अगर आप किसी और कंट्रीज से वीडियोस देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जा कर के लिखिए, क्योंकि ये अरब देशों की लैंग्वेज के हिसाब से हम लोकल लैंग्वेज लेकर के आए हैं। तो चलिए ये दो चीज़ बतला दिए, अब हम कुछ नया लेते हैं। अब जैसे सीधा स्ट्रेट, यानी कोई भी चीज़ सीधी है स्ट्रेट जाना है, तो अरबी भाषा की प्योरिटी में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे मुस्तकीम बोला जाएगा, जैसे कि कुरान शरीफ के पहले सूरे में अल्हम्दुलिल्लाह वाले सूरे में है मुस्तकीम, सिरातल मुस्तकीम, यानी कि मतलब कि मुस्तकीम मिस सीधा और सिरातल यानी कि रास्ता, ये अरबी की ग्रामरली सिस्टम है जो कि कुरान शरीफ की अरबी है, ठीक है। लेकिन कुरान शरीफ वाली अरबी बहुत कम ही लोग बोलते हैं और फिलहाल बहुत ही एकदम प्योरिटी में जाना पड़ता है, तो लोकल जो चलती है वो चीज़ आदमी समझ नहीं पाता बहरहाल। लेकिन अगर आप ईरान जा रहे हो तो ईरान में फारसी बोली जाती है, तो फारसी में भी सीधे को मुस्तकीम बोलते हैं, ठीक है। और अरबिक में अगर आप इराक या किसी भी गल्फ कंट्रीज़ में हो तो वहाँ पर भी मुस्तकीम बोलते हैं सीधे को। लेकिन अब बात कर रहे हैं अब लोकल अरबी भाषा, देहाती अरबी भाषा, तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक चीज़ तो आप ये समझ लीजिए कि सीधे को स्ट्रेट को अरबिक भाषा की प्योरिटी में मुस्तकीम बोलते हैं, ठीक, ये मामला अलग हो गया। नेक्स्ट हम लेंगे सीधे को स्ट्रेट को अरबिक भाषा की लोकल अरबी भाषा देहाती अरबी भाषा में सीधे को सीधे ही बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम सीधा है तो सीधा बोलेंगे, सीधे है तो सीधे ही बोलेंगे, यानी कि स्ट्रेट को जिस तरीके से हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके से अरब कंट्री में आप हिंदी यानी कि सेम टू सेम अरबिक भाषा में इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गई लोकल भाषा, अगर आप गूगल ट्रांसलेट करेंगे या आप जो है प्योरिटी में जाएंगे तो वहाँ पे सीधे को मुस्तकीम ही मिलेगा, सीधा वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे अरबिक के देहाती और लोकल अरबी भाषा है जो हम आप बोलते हैं और यही बोलना चाहिए, क्यों, क्योंकि यही चीज़ चलता है, ठीक है। वैसे मुस्तकीम बोलेंगे तो हम जैसा इंसान कोई अगर अदर कंट्री का तो नहीं समझेगा, लेकिन कोई अरब कंट्री का तो वो समझेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्योर है, प्योर बोलेंगे तो प्योरिटी वाला आदमी समझ लेगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं यहां पे रास्ता, रास्ता की देखिए दरअसल अरबिक जो है ना प्योर जो एकदम वो तारीख है, ठीक है, तारीख, लेकिन बहुत से लोग अरबिक भाषा में तरीज भी बोल जाते हैं, ठीक है। तो हम रास्ते में हैं, तुम रास्ते में हो, तो ये सब रिलेटेड हम सेंटेंस दे चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम सेंटेंस नहीं देंगे, सिर्फ आपको लोकल और देहाती अरबी भाषा और प्योर अरबी भाषा में डिफरेंस क्या है उसको मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर तरीज बोल देते हैं बहुत से लोग, ठीक है, जैसे वाइद की जगह वाजिद बोल देते हैं, तो ऐसा नहीं ना कि वो गलत है, दोनों सही है, लेकिन बस ये है कि आपके हिसाब से जो चीज़ चल रहा है वो चीज़ बोलो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पे, मैं सीधा जाता हूँ, आई गो स्ट्रेट, इसको अरबी भाषा में हम बोलेंगे अनारो मुस्तकीम, अनारो मुस्तकीम, या बोलेंगे तुम सीधे जाओ इंतरो मुस्तकीम, नहनूरो मुस्तकीम, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ये यहाँ पर ये चीज़ गौर करिए कि अगर हम ये तो प्योरिटी हो गई ना, प्योर चीज़ हो गई ना, अगर हम लोकल में लेंगे तो कैसे बोलेंगे, मैं सीधा जाता हूँ, आई गो स्ट्रेट, अरबी भाषा में बोलेंगे अनारो सीधा,
आना रो सीधा, यानी कि मैं सीधा जाता हूं। नेक्स्ट हम लेंगे मैं रास्ते में हूं या मैं रास्ते पर हूं, आई एम ऑन वे हो गया या आई एम ऑन माई वे हो गया। तो इसको अरबी भाषा में बोलेंगे, इसको बोलेंगे अरबी भाषा में आना फी तारीख। ये एकदम प्योरिटी हुई, यानी कि आना फी तारीख, तारीख यानी कि फी का यूज जो होता है वो में भी यूज करते हैं और फी का यूज जो होता है वो है के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेंगे मैं रास्ते में हूँ, आई एम ऑन वे। अरबी भाषा में इसको लोकल अरबी भाषा के तरीके से बोलेंगे आना तरीज। अब आप मौजूद हो, यहाँ पे फी यूज करो ना करो, अना तरीज यानी कि मैं रास्ते में हूँ, अना तरीज। ठीक है, मैं रास्ते में हूँ, अना तरीज। या तरीक बोल देंगे तो प्योरिटी चली जाएगी, लेकिन अना तरीज ऐसे लोग अरबी भाषा में जल्दी बोल देते। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं अरबी भाषा के जो लोकल अरबी तरीके से बोली जाती है, जो कि आपको कहीं और नहीं मिलती है जब तक आप लोकल एरिया में जाकर के खुद सीखते नहीं हो या सब्सक्राइब करके नहीं रखते हो। सब्सक्राइब करोगे तो मोर इन्फॉर्मेशन आपको वीडियोस के जरिए से मिलती रहेगी और आप डिफरेंस को पहचानेंगे और अरबी भाषा जल्दी बोलेंगे। तुम या मैं अपने को बोलता हूँ मैं इधर अच्छा आ रहा हूँ। ठीक है, मैं इधर अच्छा आ रहा हूं। तो यहां पर यहां की जो मीनिंग्स होगी वो एहनाक के रूप में हम यूज करेंगे। जैसे इसको ट्रांसलेशन करते हैं अरबी भाषा में, अना एजी हेलो एहनाक। क्या बोलेंगे? अना एजी हेलो एहनाक। वो इंग्लिश वाला हेलो नहीं, यहां पे अना एजी हेलो एहनाक, यानी कि हेलो मिस गुड, अच्छा। ठीक है, एहनाक एहनाक, यहां पर हमने एहनाक यूज किया। अब आप तो यानी कि बहुत सारे वीडियोस के जरिए से कहीं ना कहीं सीखे होंगे ना कि यहाँ को यानी कि मिनी से रिलेटेड आप रखते हो। ठीक है, सऊदी वगैरह से बिलोंग करते हो, तो वो भी मैं कंफ्यूजन क्रिएट जो आपके दिमाग में होगा मैं लगभग लगभग दूर करता चलूंगा। तो अना एजी हेलो एहनाक, यहाँ एहनाक शब्द क्यों यूज किया? यहाँ पे और भी चीजें यूज हो सकती थी। ठीक है, तो यहाँ पर हेलो एहनाक यानी कि मैं इधर अच्छा आ रहा हूं। ठीक है, यहां पे मैंने हिना हुना मिन्नी मिन्नाक का यूज नहीं किया, एहनी का यूज नहीं किया। ये सब एक टिपिकल वर्ड्स है और कॉमन है जो कि आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के हवाले से। एहनी मौजूद, देखो भाई हिंदी इंग्लिश छोड़ दो, एहनी मौजूद, आप मेरी बातों को सुनो गौर से, एहनी मौजूद। अब देखो भाई मैंने हिना हुना मिन्नी मिन्नाक एहनाक का यूज नहीं किया, एहनी मौजूद। ये सब लोकल भाषा है, एक तरीके से अरब देश की लोकल भाषा, एहनी मौजूद। अब यहां पर मैं ये भी बोल सकता मिन्नी मौजूद मिन्नाक मौजूद, लेकिन आप बोल रहे हैं एहनी मौजूद। ये दरअसल लोकल भाषा है और लोकल भाषा इस तरीके से बोली जाती है। अब मौजूद तो हिंदी शब्द है, आप कंफ्यूज ना होइए। मौजूद को जिस तरीके से आप हिंदी में इस्तेमाल करते हो ना कि मैं यहां पर मौजूद हूं, ठीक उसी तरीके से अरबिक भाषा में भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो अरब देश की लोकल भाषा हम सीख रहे हैं, तो यहां पर हिना यानी कि हुना और मिन्नी मिन्ना एहना का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एहनी मौजूद। ठीक है, अब एहनी की अगर आप देखी जाओगे भाई लोकल भाषा में ना, तो आप चाहो तो नोट करके रख लो, चाहो तो दिमाग में नोट कर लो, बेहतर आपके लिए रहेगा। वैसे नोट ना करो, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि नोट की हुई चीजें आपको याद तो रह सकती है कि नहीं रह सकती, आपके ब्रेन के ऊपर डिपेंड है, लेकिन आप बोलोगे तो फंस जाओगे। एहनी मौजूद यानी कि इधर मैं प्रेजेंट टाइम में हूं, इसका हिंदी ये हुआ एहनी, मतलब कि यहां। ठीक है, अब यहां से रिलेटेड लोकल भाषा में और भी चीजें बोली जाती है, हम इसी वीडियो में सीखेंगे, एहनी मौजूद, दैट्स ऑल। ठीक है, हम नेक्स्ट लेंगे यहां पे इधर उधर। ठीक है, अगर आप कुवैत से बिलोंग करते हैं तो इधर उधर के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं अरबी भाषा में? मैंने बहुत सारी वीडियोज में कई जगह पे ये चीज सवाल खड़े हुए हैं कोई ना कोई ट्रांसलेशन के जरिए से, तो मैंने यूज करके बताया है आप लोग को। मिन्नी और मिन्नाक का यूज करते हैं, जैसे इधर का मतलब मिन्नी और मिन्नाक यानी कि उधर हो गया, दैट्स ऑल, यहाँ पे ये चीज लागू होता। लेकिन अगर हिंदी का एक शब्द यहाँ पर और इंक्लूड करेंगे तो सेम वर्ड्स आपके इस्तेमाल किए जाएंगे अरबी भाषा में। चलिए उसका सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे यहां और वहां। यहां को अरबी भाषा में बोलते हैं मिन्नी, वहां को अरबी भाषा में बोलते हैं मिन्नाक। क्या बोलेंगे? मिन्नाक। अब इसका ट्रांसलेशन अगर मैं देने लगूंगा तो फिर मैं अरब देश की लोकल भाषा जो मैंने गिन गिन करके बताई है कि इस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो चीज टॉपिक थोड़ा सा छूटेगा। इसलिए बेहतर है वीडियो साथ बने रहिए, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन आपको मैं देके जाऊंगा। तो यहां पर आप यहां और वहां को मिन्नी और मिन्नाक से संबोधित कर सकते हैं।
ठीक है, ये तो हो गया कुवैत के हिसाब से। अगर आप सऊदी वगैरह से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है। इसी वीडियो में इसी वक्त मैं उस डिफरेंस को भी क्लियर कर दे रहा हूं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, जैसे सेम सेंटेंस इधर और उधर, ठीक है। अब इधर और उधर को अरबिक भाषा में आप कैसे बोलेंगे? अगर आप सऊदी से बिलोंग करते हैं तो आप बोलेंगे हिना और हुना, यही तो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पर इधर उधर के लिए हिना और हुना तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहां और वहां के लिए भी सेम सेंटेंस आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहां यानी कि हिना और हुना का इस्तेमाल किया यहां वहां में, उसी तरीके से आप यहां पर यहां की जगह पे हिना इस्तेमाल करेंगे, वहां की जगह पे हुना इस्तेमाल करेंगे। यानी कि इधर यहां और उधर और वहां दोनों जगह पे इस तरीके से इस्तेमाल हिना और हुना का करेंगे, हिंदी वर्ड्स अगर इस तरीके से आ रहा है तो। अब जैसे अगर आपसे पूछा जाए तो सऊदी के हिसाब से इंतवैन मौजूद, अब मैं इसको लिखूंगा नहीं क्योंकि कॉमन वर्ड्स है, इंतवैन मौजूद, आना मौजूद या इधर मौजूद है मैं, आना मौजूद मतलब कि मैं मौजूद हूं। अब कहां पर हो तो मैं बोलूंगा ना मैं यहां पर हूं, ठीक है। तो हम बोलेंगे आना मौजूद हिना, आना मौजूद हिना। मैं उधर मौजूद हूं, उधर हूं, तो वहां पर हुना का यूज करेंगे, तो ऐसे हिना। अब यहां पर हम देखते हैं कि जैसे कि मैं यहां पर हूं, ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं अना एहनाक, और सऊदी वगैरह से अब है तो बोल सकते हैं अना मतलब के अना हिना। मैं अना यूज नहीं करें, बस हिना मौजूद, ठीक है, हुना मौजूद, उधर मौजूद है, ठीक है। इस तरीके से अरबी भाषा में आप बोलेंगे। आप अपने हिसाब से भी ट्रांसलेशन बनाइएगा और जहां पे सेटिंग सेट हो वहां पे आप इस्तेमाल करिएगा, बोलिएगा, यही मतलब होता है इसका। चलिए अरब देश की लोकल भाषा और सीखते हैं, नेक्स्ट हम लेंगे। अब जैसे बंद करना है तो बंद करना, ये YouTube पे सर्च करिएगा एडवांस अरबी कोर्स पार्ट 59 में आप जाके देख लीजिएगा। वहां पे जैसे बंद करना शक्कर से रिलेटेड होता है, तो वो वहां पे मैंने नया एक लोकल भाषा आपको सिखलाई है, तो आप YouTube पे सर्च करिए एडवांस अरबी कोर्स और पार्ट 59 देखिए, वहां पर मैंने वो वर्ड्स समझाया है लोकल भाषा का, शक्कर को यानी बंद करने को, शक्कर को दूसरी तरीके से आप लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, तो वो पार्ट आप जरूर जाके देख लिया। नेक्स्ट हम सेंटेंस लेंगे। अब जैसे कोई चीज खराब हो गई तो खराब को दो तीन तरीके से बोलते हैं, खराब, खरबान, खरबूता। अब दरअसल जो खराब शब्द है वो हिंदी शब्द है, लेकिन सेम टू सेम अप्लाई कर सकते हैं खराब। अब सेंटेंस के हिसाब से हम बात करेंगे, हादा खराब, ठीक है। अब हादा मीन्स या, अब बहुत सी कंट्री में हादा को ही हाजा बोलते हैं, वो दरअसल स्वाद और दुआद वाला मामला रहता है कंट्री वाइज, तो थोड़ा बहुत हाजा कहीं बोलते हैं तो कहीं पे हादा बोलते हैं, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। अगर आप हादा बोलेंगे हाजा बोलेंगे तब भी चलेगा, लेकिन सऊदी कुवैत वगैरह में हाजा नहीं चलता, यहां बोलोगे तो शायद कोई समझ भी ना पाए या समझेंगे जो भी अरबी के अच्छे जानकार हैं। तो हादा मैं क्या बता रहा था, यहां पे कौन सा सेंटेंस था मेरे दिमाग से निकल गया, हादा खराब, यस हादा खराब, यानी अब खराब तो हिंदी शब्द है। अब यहां पे खरबूता, खरबान, ये खरबान खरबूता से रिलेटेड ये है ना कि ये वो पड़ जाती है एक तरीके से, कहने का मतलब मेरा ये है कि सिचुएशंस के बेस पे सेंटेंस की डिफिनेशन ये खरबान और खरबूता वाली चेंज हो जाती है। कभी मैं इस पर वीडियो लेकर के आऊंगा तो ये आप कमेंट करोगे तो मैं दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट मैं लेता हूं यहां पर। अब अरबी का शब्द है अखर और वखर, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा थोड़ा हटो, सेंटेंस में लेता हूं थोड़ा हटो, तो हम कहेंगे शोए वखर, शोए वखर। अगर हम बोल सकते हैं यहां से हटो, तो अब यहां वहां जितनी भी चीजें मैंने एहनी एहनाक मिन्नी मिन्नाक और हिना हुना सिखला है, उस आपसे आप सिचुएशंस के बेस से बोल सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा हटो शोए वखर, तो वखर और अखर में डिफरेंस क्या है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एडवांस अरबी कोर्स यूट्यूब पर टाइप करना है और पार्ट 41 को पूरा वाच कर देना। 41 पार्ट है, मैंने पूरे डिफरेंस को क्लियर कर दिया, ठीक है, तो वो भी चीज जाकर के आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं आना। अब आना को अरबी भाषा में ताल बोलते हैं, ताल मीन्स आना, ठीक है। लेकिन बहुत से ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां पे ताल का इस्तेमाल ही नहीं किया जाता, जैसे कि हम सिर्फ आपसे कम के हिसाब से आने के लिए बोल रहे हैं, बुला रहे हैं, तो ताल बोल सकते हैं, लेकिन बहुत सी जगह पे इजी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एक लोकल सिस्टम है। लेकिन इसको समझना, तो कोई पार्ट वाइज मैंने वीडियो नहीं बनाई, बहुत सारे सेंटेंस में इजी और ताल का डिफरेंस होता है, वो पार्ट वन से स्टार्ट करेंगे, तो ये कंफ्यूजन आपका यहां तक पहुंचने में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट हम लेते हैं सेंटेंस वाइज। चलिए अब हम कुछ सेंटेंस भी सीख लेते हैं। ये तो हमने अरब देश की लोकल भाषा शॉर्टकट तरीके से बताए, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं जिनको जानना आपको जरूरी। इसके लिए सब्सक्राइब नाउ, और सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मोर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चलिए ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ते हैं। निकलो यहां से, ठीक है, निकलो यहां से, गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट ऑफ हियर। अगर भाई इसको आप जाओगे ना गूगल ट्रांसलेट में ना, तो आपको क्या मिलेगा, अखरुज मिन हुना, ठीक है, अखरुज मिन हुना। तो अगर आप लोकल भाषा में जाएंगे, अरब देश की लोकल भाषा, तो आप बोल सकते इतला मिन्नी, ठीक है। अब इतला मिन्नी, इतला मिस निकलना, मिन्नी मिस यहां से, और अगर आप सऊदी से बिलोंग करते हैं तो आप बोल सकते हैं इतला हिना, इतला हिना, इतला बोला जाता है यहां पर, इतला मिस होता है निकलना, ठीक है। तो अगर आप ट्रांसलेशन वाले सिस्टम में जाओगे तो अखरुज मिन हुना, अखरुज मिन हिना का हिसाब आपका आएगा, लेकिन इतला मिन्नी नहीं आएगा। ये एक शॉर्टकट और एक लोकल लैंग्वेज हो गई, तो वो चीज आपको वहां पर नहीं मिलने वाली है। एक तरीके से देहाती लैंग्वेज में बतला रहा हूं, ठीक है। तो अरब देश की ये लोकल भाषा है, तो हम इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। दोबारा मत आना, दोबारा मत आना, अरबी भाषा में इसको बोलेंगे माइजी मरतानी। अब देखो मर्रा तानी को भी समझना है तो आप पार्ट वन से स्टार्ट कर लो, ठीक है। यहां मर्रा तानी एक कोई लोकल नहीं ना, अमूमन ऐसी बोली जाती है, ठीक है। तो माई जी मर्रा तानी, डोंट कम अगेन को अरबी भाषा में आप बोल सकते हैं माई जी मर्रा तानी, ठीक है। नेक्स्ट हम सेंटेंस लेंगे, तुमने सुना नहीं, यू डिडंट हियर। अरबी भाषा में इसको बोलेंगे इंते माई इस्मा, इंते माई इस्मा। सऊदी वगैरह से बिलोंग करते अंता माई इस्मा, लेडीज है तो अंती माइस्मा, कुवैत वगैरह में है लेडीज से बात कर रहे हैं इंती माइस्मा, हम आपस में बात कर रहे हैं इंती। अब दरअसल बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि इंती नहीं बोलते, अंता बोलते, इंता बोलते। तो भाई देखो अरब देश की लोकल भाषा है, जो कि कुछ कुछ दूरी पर डिफरेंस आता है, उसी डिफरेंस के हिसाब से मैं बोलता हूं, और मैं ऑलरेडी यहां पर हूं, तो जो मैं फेस करता हूं उसी हिसाब से मैं आपको सिखलाता हूं। आप जाके प्रैक्टिकल करो मार्केट में, या जहां पर भी जॉब कर रहे हो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा क्या डिफरेंस आपको महसूस हो रहा है। और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बता भी दिया करो भाई कि ये कंट्री में ये चीज बोला जाता है, क्योंकि मेरी वीडियोस जो है वो जॉर्डन है और भी गल्फ कंट्रीज है, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, हर जगह से लोग देखते हैं। तो आप जरूर कमेंट कर दे, उससे मुझे भी क्लियरिटी हो जाती है, और लोग भी जो सब्सक्राइब किए हैं वो भी कमेंट जाके पढ़ते हैं, तो उनका भी क्लियरेशन मामला ओके हो जाता है। तो यहां पर इस तरीके से अरबी भाषा में बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे चुप रहो, कीप क्वाइट। अरबी भाषा में इसको बोलेंगे यल्ला इस्कत, यल्ला इस्कत, कीप क्वाइट, यल्ला इस्कत। अरबी भाषा में इस तरीके से बोल सकते हैं। ये दो तीन चार सेंटेंस मैंने आपको जो बताया अभी, ये चीज से एक नॉर्मली तरीके से बोल सकते हैं। डिफरेंस जो मैंने बताया आपको, एहनी एहनाक, बिन्नी मिन्नाक, हिना हुना, ये कॉमन वर्ड्स है, लेकिन कुछ चीजें होती कंफ्यूजन भरी होती हैं, कि जैसे मैं इधर उधर के लिए इस्तेमाल करता था, लेकिन अब यहां वहां के लिए भी इस्तेमाल करना आप। और एहनाक एक लोकल भाषा है, जो कि आपको शायद ही, मैंने कभी सर्च नहीं किया तो वो चीज मिले आपको, तो वो चीजें आप लोकल तरीके से आप बोल सकते हैं। तो इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखो, मोर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।